अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एंड नोट के ऊपर। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो रेफरेंसेस को ऐड करते हैं अपने थीसिस के अंदर, रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर और रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर, लेकिन मैनुअली रेफरेंस को जब हम ऐड करते हैं तो उसका स्टाइल जो है वो खराब हो जाता है। तो मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो एक सॉफ्टवेयर का नाम है एंड नोट, आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको नॉर्मली आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या करेंगे कि एंड नोट को डाउनलोड करने के बाद कैसे ओपन करते हैं और कैसे न्यू लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट करते हैं। वेरी सिंपल है, आप अपने सर्च बार में जाए, यहाँ पे अगर आपने एंड नोट डाउनलोड किया हो तो यहाँ पे लिखे सिंपल एंड नोट, तो ये उसकी ऐप यहाँ से ओपन हो। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये तो ब्लैंक पेज है, तो स्टूडेंट को परेशानी से बचाने के लिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपने सिंपल फाइल पर जाना है और फाइल पर लिखा होगा यहाँ पर न्यू। अगर तो आपकी ऑलरेडी सेव लाइब्रेरी तो ओपन लाइब्रेरी हो जाएगी, लेकिन आपने न्यू क्रिएट करनी है, आप सिंपल क्लिक करेंगे न्यू पे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो है इस तरीके से एक फोल्डर बन जाएगा माई एंड नोट लाइब्रेरी के नाम से। तो यूं आपकी ऐप एंड नोट लाइब्रेरी जो है यहाँ से इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। जैसे आपकी एंड नोट लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है तो आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यही स्टेप होता है कि सबसे पहले आपने लाइब्रेरी क्रिएट होनी करनी है। जैसे आपकी लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है, अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, तो इसके होम पेज के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उनको हम रीलोड करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ क्या होगी, यहाँ से ये देखें, यहाँ ये कॉपी का है। अगर आपने रेफरेंस यहाँ पे अपलोड किया उसको कॉपी कैसे करना है, अगर आपने कोई रेफरेंस यहाँ पे खुद ऐड करना है जो कि हम बाद में आपको बताएंगे कि मैंने रेफरेंस कैसे ऐड करना है, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये ऑनलाइन सर्च का है, यानी कि यहाँ पे हम इसी के ऊपर रहते हैं, गूगल पे जाने के बजाय हम यहीं रहते हुए जो है रेफरेंसेस को यहां पे जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहां पे अपने रेफरेंसेस को किसी और लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, और आपके अपने रेफरेंस को कहीं एक्सपोर्ट करना तो भी अवेलेबल है, एंड देन सो ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है इंसर्ट साइटेशन, कि हमने यहां से लाइब्रेरी से रेफरेंसेस को अपने थीसिस या आर्टिकल के अंदर कैसे इंसर्ट करना है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम जो हम सेकंड स्टेप में जो है इसके जितना होम पेज इसको हमने ओवरव्यू किया, अब हम चलते हैं इसके सेकंड से थर्ड स्टेप की तरफ। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि ऑनलाइन सोर्सेज से रेफरेंसेस कैसे लेके आने हैं, यानी कि आपको पता है कि आपके जो थीसिस में फलाफला रेफरेंस यूज हुआ हुआ है, तो उसको आपने कैसे जो है वो लाइब्रेरी के अंदर लेके आना है। तो सबसे पहले जो इसका टूल यूज करते हैं वो है ऑनलाइन टूल है इसका, क्लिक करेंगे ऑनलाइन को, तो ये हमें सबसे पहले देखें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, पबमेड का। तो याद रखिएगा पबमेड सबसे फेमस है, ठीक है, इसके ऊपर मोस्टली रेफरेंस पे मिलते हैं, हम इसको चूज कर लेंगे यहाँ पे पबमेड। ठीक है, अब पबमेड का ऑप्शन तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमने अब ऑनलाइन सर्च से इसके ऊपर आ गए, लेकिन यहाँ से हम क्लिक करेंगे टाइटल के ऊपर, यानी कि हमने कोई टाइटल हाथ देंगे जिसके जरिए हम इसको जो है सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ मैं टाइटल इसको देता हूँ, जैसे हमारा आज का जो टॉपिक के अंदर जो मैंने टाइटल यूज करना हुआ मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, जो कि बायोइनफॉर्मेटिक्स में बहुत यूज होती है, तो उस मॉलिक्यूलर जो है वो डॉकिंग का मैं इसमें लिखूंगा सिंपल, उसको कीवर्ड दूंगा। जैसे मॉलिक्यूलर डॉकिंग उसमें कीवर्ड दूंगा तो उसके बाद उसको जो है वो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं सर्च पे क्लिक कर दूंगा, तो पबमेड पे जितने भी आर्टिकल अवेलेबल हैं 2020 तक वो सारे ये सर्च करना शुरू कर देगा। ये देखिए सर्चिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है, और उसने बताया हमें कि एक से लेकर 4548 आर्टिकल्स को मिले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो बजाय इसके हमें तमाम आर्टिकल्स के ऊपर जाए, मैं पहले को 5 आर्टिकल जो है वो यहाँ से 1 से 5 के सर्च दे देता हूँ, उसे ओके कह देता हूँ। ये देखें ये 5 रेफरेंस उसने वहाँ से इंपोर्ट कर दिए हैं। अब हम जो है इसके यानी कि थर्ड स्टेप के जो अगले पार्ट की तरफ जाते हैं कि डिफरेंट जर्नल्स की वेबसाइट से हम रेफरेंस को कैसे जो है वो अपनी लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट उसमें हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम जो है वो तमाम जर्नल्स की जितने भी ये पब्लिशर्स हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से हम रेफरेंस को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर। तो इसमें से एक मेथड ये भी है कि आप NCBA के ऊपर आ जाएं, वहाँ से पबमेड के सिलेक्शन पे आ जाएं लाइक दैट, फिर यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखें, यानी कि टाइटल हमेशा लिखते हैं जो भी आपका आर्टिकल है जिसको आप साइट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने मॉलिक्यूलर डॉकिंग का मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर डॉकिंग लिख दूंगा। तो यहाँ देखिए उसने जो है तमाम के तमाम जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं या उनके रेफरेंसेज हैं वो सारे यहाँ पे ओपन कर दिए। अब इनमें से मैं कोई भी रेफरेंस कोई भी एक जो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दैट कि मैं नीचे से कुछ नंबर 9 मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने ये जो है टूवर्ड ड्रग डिस्कवरी जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग उसको मैं जो है अपनी लाइब्रेरी में लेके जाना चाह रहा हूँ, ये मैं इसने आगे जो है फर्दर इसको साइट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं टॉप पे आ जाऊँगा, ठीक है, तो बाकी जितने भी उनको अनसेलेक्ट रहने दें इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ऑप्शन आएगा सेंड टू, सेंड टू में देखिए आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो साइटेशन मैनेजर, याद रखिएगा ये वर्ड आपको बार बार नजर आएगा तमाम के तमाम पब्लिशर या तमाम तमाम आर्टिकल के ऊपर, तो आपने इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वो कहेंगे क्या आपने एक सिलेक्शन जो आपने की हुई है क्या उसकी हम लाइब्रेरी क्रिएट कर दें, आपने कहना यस क्रिएट कर दें।
जैसे आप रीड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नीचे, देखें वो डाउनलोड हो जाएगी आपका रेफरेंस जो आपने वहाँ पे जिसको आपने आर्टिकल को आपने जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था। और जैसे इसका जो है डाउनलोडिंग का लिंक नीचे ओपन होगा तो आपने इसको सिंपल क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है रेफरेंस जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर जो है वहाँ पर ले जाएगा। तो यूँ हमारा वो रेफरेंस है वो यहाँ पर ऐसे आके जो है वो अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो हमारे पास आ गया पाममेड। अब हम अगर हम बात करते हैं गूगल स्कॉलर की, ठीक है, तो गूगल स्कॉलर से भी हम रेफरेंसेस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जैसे गूगल स्कॉलर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉलिकुलर डॉकिंग, जैसे मॉलिकुलर डॉकिंग लिखकर इसको सर्च करूँगा तो सर्च करने के बाद क्या होगा कि मॉलिकुलर डॉकिंग जो है मैंने बार बार यूज़ करना, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ तो ये देखें सारे आर्टिकल्स से रिलेटेड ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह है इंपोर्ट टू बिबटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने बिबटेक्स यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया एंड नोट है। तो उसके लिए आसान तरीका ये आपने मोस्टली आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको एक ऐसा मेथड का बताता हूँ कि आप डायरेक्ट एंड नोट के ऊपर चला जाया करेंगे। आप इसके जो है वापस जाएं दोबारा यहाँ पे देखें इसका ऑप्शन आए सेटिंग पे आए, इसको क्लिक करेंगे गूगल स्कॉलर यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी, कुछ यहाँ पे सेटिंग आई थी कुछ यहाँ, जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे है बिबटेक्स सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो आपने इस मैनेजर को जो बिबलियोग्राफी का मैनेजर है रेफरेंस को चेंज कर देना है, किस पे एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो एंड नोट हो जाएगा और इसको आपने सेव कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको सेव करेंगे तो अब हम दोबारा मालिक और डॉकिंग सर्च करेंगे तो आप एक्जैक्ट देखेंगे तो हम जो है वो तमाम के तमाम एंड नोट की जो है फाइल्स हमारे पास आएंगे। देखें इंपोर्ट टू एंड नोट, इंपोर्ट टू एंड नोट, इंपोर्ट टू एंड नोट, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो है जितने भी आर्टिकल ओपन होंगे जो भी आप इसमें साइट करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से इंपोर्ट टू एंड नोट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो लेड डिस्कवरी यूजिंग मालिक और डॉकिंग करना चाह रहा हूँ, इसको इंपोर्ट टू एंड नोट, इसको मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो देखो वही फाइल उस तरीके से यहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो जाएगी एंड नोट की। ठीक है, हमेशा जिस भी ब्राउजर के ऊपर आप जाएंगे उसकी फाइल नीचे डाउनलोड हुआ करेगी, उसको आपने उस फाइल के ऊपर जस्ट क्लिक करना है तो वो आपको लाइब्रेरी के अंदर ले आएगा। ये तो हमारे पास हो गया गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हो जहाँ पे तकरीबन सारे आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं साइंस डायरेक्ट के ऊपर, तो साइंस डायरेक्ट में भी कोई भी आर्टिकल आप ओपन करें तो उसमें भी आप देखेंगे ये जैसे साइंस डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो इस साइंस डायरेक्ट के ऊपर है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ऊपर लिखा था एक्सपोर्ट। ठीक है, आपने मैंने भी यहाँ डॉकिंग के लिए मालिक डॉकिंग का ही एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है, ये मैं साइड करना चाह रहा हूँ तो मैंने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया। जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपने ऑप्शन देखना एंड नोट का नहीं है तो आप बिबटेक्स को भी क्लिक कर सकते हैं या आरआईएस को क्लिक कर दें, ये भी आपकी साइटेशन वहाँ ओपन करेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो देखें वो दोबारा उसने एक फाइल नीचे डाउनलोड कर दी है। तो एवरी टाइम वो एक फाइल डाउनलोड, उसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे उसकी फाइल उसका रेफरेंस भी यहाँ पे ले आएगा। ये देखें ये वाला रेफरेंस था हमारे पास जो वहाँ से हम इसको डाउनलोड किया था। तो हमारे पास जो है विली ऑनलाइन लाइब्रेरी है यहाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो बुक्स और जनरल 40,000 जनरल की तादाद दी हो यहाँ पे। तो अगर आपका कोई भी जो है वो आर्टिकल जो है विली में पब्लिश हुआ है तो आप उस आर्टिकल के यहाँ पे टाइटल लिखें, जैसे मालिक डॉकिंग मैंने लिखा हुआ है उसको सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे तो नीचे देखें बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से जितने भी आर्टिकल्स उसमें पब्लिश हुए सारे ओपन हो जाएंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे जो फर्स्ट वन है इसको जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मुझे चाहिए। तो इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने सब करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इसको करना चाह रहा हूँ, इसकी साइटेशन मुझे चाहिए। तो आपने अगर चले जाना एक्सपोर्ट साइटेशन में, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमने जो एंड नोट ऑलरेडी यहाँ पर जो है आपने मार्क हुआ हुआ है, ना हुआ तो आप इसको मार्क कर लें। ठीक है, और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा देखिएगा हमारे पास एक साइटेशन जो है डाउनलोड होगी। तो इस लिंक को आप दोबारा क्लिक कीजिएगा, जैसे बाकी में क्लिक किया है तो वो साइटेशन आप यहाँ पे आ जाएगी। चौथा स्टेप है कि हमने जो है ये रेफरेंस यहाँ पे तो आ चुके हैं, लेकिन अपने अपने थीसिस में या आर्टिकल का जो ड्राफ्ट है वर्ड की जो फाइल उसमें कैसे इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन ये ऊपर बताया था कि आप इनमें तमाम को सिलेक्ट कर भी हमारे जा सकते हैं, लेकिन तमाम करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। अब वन बाय वन जिसको जहाँ पर जरूरत है उसको वहाँ पर लेके जाएँ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट साइटेशन का। तो सबसे पहले हम वर्ड की फाइल के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ है, ये आपके थीसिस का एक पैराग्राफ है, इसके आधार पर आप एक साइटेशन देना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपना कर्सर उसके आधार पर यहाँ पर रख दें, आप दोबारा लाइब्रेरी पर चले जाएँ। जैसे लाइब्रेरी पे चले जाएंगे तो आप यहाँ पे आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये पटेल का वाला रेफरेंस है, ये वाला 2020 वाला, ये वहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने इस रेफरेंस को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और आपने जहाँ पे ये आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट साइटेशन, इसको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे देखें वर्ड की फाइल के ऊपर आके वो रेफरेंस वहाँ पर वो ऐड कर देगा। ठीक है, नंबर वन पे, क्योंकि हमने अभी इसको फॉर्मेटिंग जो स्टाइल नंबर का दिया हुआ है तो नंबर वन को वहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो पांचवा इसका जो है मेथड है, ये पांचवा जो स्टेप है एंड नोट का, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने इसका स्टाइल अगर चेंज करना है, यानी ये तो नंबर की फॉर्म है, 1, 2, 2 रेफरेंस आज के उनके नंबर आ गए हैं, अगर हम इसमें से एट ऑल का ऑप्शन बाकी चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो क्या करें हम इसमें से। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर देखें नंबर लिखा, स्टाइल लिखा हुआ है, तो स्टाइल में देखिए बड़े फेमस स्टाइल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि APA स्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरल ऑफ सेल बायोलॉजी जो कि लाइफ साइंस के जो है स्टूडेंट यूज़ करते हैं, एंड मैनी इसमें बहुत से जो है वो हमारे पास जो है वो शिकागो का है, आर्थर डेड के साथ है। तो कोई भी स्टाइल आप यहाँ सेलेक्ट करें वो आपका स्टाइल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। APA 6 के ऊपर आप क्लिक करें तो आपका जो रेफरेंस है वो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों एटॉल वाले रेफरेंस आ गए हैं।
शौकियान एंड बोर्डोलाई 2019 और ये हमारे पास एटॉल, और देखिए नीचे रेफरेंस का स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो यूँ आपने जो भी स्टाइल देना होगा इसको अपनी लाइब्रेरी को या अपने जो यहाँ पे वर्ड में है, आप वर्ड पे रह के ही स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक ऑप्शन वो भी अवेलेबल है, अगर आप एंड नोट से चेंज करना चाह रहे हैं तो एंड नोट में भी यहाँ पे देखें हमारे पास जो इनोटेटेड का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें वो सारे स्टाइल वहाँ पे जो है वही यहाँ पे शो होंगे, दोनों के लिंक होते हैं। और आपने कोई भी, याद रखिएगा 6000 जर्नल जो है उसकी यहाँ पे साइटेशन मैनेजर अवेलेबल है, उनकी साइट्स अवेलेबल है। आप कोई भी जर्नल और सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, आप लिखिए सेलेक्ट अनदर स्टाइल, जैसे क्लिक करेंगे तो देखें अल्फाबेटिकली इसमें सारे 6000 जर्नल आ जाएंगे, कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ भी है, बीएमसी सेल बायोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो भी सिलेक्ट करेंगे वो जो स्टाइल वैसे चेंज कर देगा उसको, उसको चूज करेंगे तो ये उसका स्टाइल जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं लाइफ साइंसेज के तो आप जनरल सेल बायोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए जेसीपी का स्टाइल हमारे पास आ जाएगा एटॉल का। अब एक और बात है कि स्टूडेंट जो है वो कई बार क्वेश्चन करते हैं, हमारा जो छठी चीज़ है जो एटॉल है, मोस्टली जो हमारे पास एटॉल होता है कि वो इटैलिक नहीं होता, जनरल नहीं करते, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एचसीसी का ये फॉर्मेट होता है उसको हमें इटैलिक करो जी, उसका क्या तरीका है? अगर आपकी लाइब्रेरी नहीं करते तो आप सिंपल करें कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ वर्ड की फाइल के ऊपर करें, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, इस एरो को क्लिक करें तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास रिप्लेस का, रिप्लेस पे क्लिक करें तो आपके पास जिसको फाइंड व्हाट आप एट ऑल जो सिंपल है इसको अटैली करना चाह रहे हैं जितनी भी फाइल के अंदर है। अब जारी बात है कि उसके अंदर 100-200 रेफरेंस हो सकते हैं तो मुश्किल हो जाएगा सबको करना, आप एट ऑल दोबारा नीचे भी लिखें जिसके साथ आप इसको रिप्लेस करें, उसको सेलेक्ट करें इस एट ऑल को, ठीक है। जैसे ये सेलेक्ट हो जाएगा तो इसको आप कंट्रोल आई यानी कि अटैली कर दें, देखिए ये अटैली हो जाएगा, फॉन्ट अटैली हो जाएगा, आप उसको कर दें रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखिए हमारे पास जितने भी यहाँ पे एट ऑल होंगे वो अटैली हो जाएंगे।